नमस्ते। तो ये है दूसरा भाग ये सेशन का। पहले भाग में मैंने बताया कि बच्चे को कैसे पकड़ना है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे चार पांच पॉइंट्स जो है मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। अभी दूसरा जो भाग है उसमें मैं बताऊंगी कि माँ को अपना स्तन कैसे पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि माँ जो अपना स्तन है वो गलत तरीके से पकड़ती है। अगर माँ ने गलत तरीके से स्तन को पकड़ा है तो वो बच्चा बच्चे के मुंह में जो नीचे का जो काला भाग है वो उसके मुंह में जाएगा नहीं, ठीक है। सिर्फ निप्पल जो होती है, माँ की जो निप्पल होती है वही उसके मुंह में जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है ये भी, अभी ये जो दूसरा जो वाला स्टेप है आपको बहुत ध्यान से आपको समझना है और उसका मनन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है फील्ड में। पहले डॉल पे और ब्रेस्ट मॉडल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर आप न्यूबॉर्न मदर्स, न्यूबॉर्न बेबीज और मदर्स पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से सिखाती हूँ, ठीक है। तो आप सोचिए कि आप एक बड़ा सा बटाटा वड़ा खा रहे हैं, ठीक है, या तो आप खा रहे कुछ भी जो है बोंदा खा रहे हो, बोंदा जैसे नॉर्थ इंडिया में बोंदा चलता है, वो बड़ा वाला भजी बोलते हैं, राइट। तो जो बड़ा वाला अगर आलू वड़ा है या बोंदा है उसका एक बड़ा सा निवाला लेना है, ठीक है। तो ये आपके हाथ में आ गया बड़ा सा बोंदा, ठीक है। तो आप हमेशा वो जो बड़ा सा बोंदा है आप उसको आपके मुँह के सामने लाएंगे और फिर उसको आप थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे और फिर उससे आपके मुंह में बड़ा सा निवाला आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसका ये जो एक्शन जो है, उसकी जो क्रिया है, आप देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये है सपोज़ बोंदा मैं लेके आई मेरे मुंह के सामने, फिर मैंने उसको दबाया और फिर मैंने, ठीक है, देखिए मेरी गर्दन भी थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई है, ठीक है, और मैं बोंदे को नीचे के होंठ की तरफ रख रही हूँ और मैं बड़ा सा निवाला खा रही हूँ, ठीक है। तो ये आप सोचिए कि कैसे आपको वो बड़ा निवाला बच्चे के मुंह में, ये बड़ा निवाला जैसे माँ का जो स्तन है, इट्स लाइक जैसे आप सोच लीजिए कि वो बोंदा है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो उंगली है, मेरी जो उंगली है वो मेरे होंठ के समांतर है, ठीक है। तो आप देखना कि कभी भी आप कुछ भी खा रहे हैं, या तो सैंडविच खा रहे हैं, जैसे मैं नहीं सो मतलब आई डोंट वांट कि आप सैंडविच खाओ और इतना हेल्दी नहीं है, पौष्टिक नहीं है, लेकिन आपने कुछ भी जो बड़ा सा है तो आप हमेशा उसको दबा के उसका निवारण लेंगे। तो आपकी जो उंगलियां है वो आपके होंठ के समांतर है, ठीक है। तो अभी आप सोचिए कि बच्चा है सपोज़ बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, तो जब भी आप खाना देंगे बच्चे को कुछ भी उसके मुंह में, सपोज़ कुछ भी, जब ऐसे बड़ा 3-4 साल का बच्चा है और आप उसको कुछ खाना दे रहे हो, तो अगर बहुत बड़ा सा है तो आप उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ओके, और बच्चे को खिलाएंगे, ठीक है। अभी आप सोचिए कि बच्चे के मुँह में आपको अभी माँ का स्तन जो काला नीचे का भाग है आपको उसके मुँह में डालना है, ठीक है। तो आप भी स्तन को ऐसे ही दबाएंगे जैसे आप, जैसे माँ है, माँ कैसे दबाएगी कि उसकी उंगलियाँ है वो बच्चे के होंठ के समांतर वो रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये पोजीशन में बच्चा, मदर ऐसे छाती को दबाएगी, लेकिन अगर बच्चा ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, तो उसका मतलब कि माँ की जो उंगलियाँ है वो बच्चे के होंठ के जैसे समांतर होनी चाहिए। तो ये पोजीशन में माँ या तो ऊपर से पकड़ेगी, ठीक है, स्तन को, या तो फिर वो नीचे से पकड़ेगी। तो अभी ये पोजीशन में आप देखिए कि मेरे जो उंगलियां है वो कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, या तो वो ये बोलते हैं उसको यू शेप, राइट, या तो वो ऊपर से यू शेप में पकड़ रही है या तो फिर वो नीचे से यू शेप में पकड़ रही है, ठीक है। अभी ये बच्चे को मैंने ऐसे घुमा दिया, मतलब क्योंकि आपको मालूम है कि क्रॉस क्रेडल में बच्चा माँ की तरफ देखता है, ठीक है। तो अभी ये पोजीशन में अगर बच्चा आया तो उसके जो होंठ है वो अभी ऐसे वर्टिकल है, मतलब ऐसे खड़े हुए हैं, तो मेरी जो उंगलियाँ होगी, माँ की जो उंगलियाँ होगी वो भी खड़ी रहेगी, या तो वो ऊपर से खड़ी रहेगी या नीचे से खड़ी होंगी। अगेन मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट सीखिए कि माँ को अपनी छाती कैसे पकड़नी है, ठीक है। बच्चे का होंठ है जो यहाँ पे, बच्चे के होंठ ये पूरे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो माँ की उंगलियाँ भी खड़ी रहेंगी, या तो ऊपर से खड़ी रहेंगी या तो नीचे से खड़ी रहेंगी, ठीक है। तो ये पोजिशन में ऊपर से अगर आप खड़ी रखेंगे उंगलियाँ तो क्या होगा कि जो हाथ है वो बीच में आ रहा है,
ठीक है, वो बीच में हाथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में हाथ आ गया, बच्चा जब भी मुंह खोल रहा है तो माँ को पता नहीं चलेगा कि बच्चा कभी मुंह खोल रहा है, उसे पता नहीं चलेगा कि कभी उसको स्तन में डालना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये पद्धति में क्या किया है, बताया है कि आप नीचे से उसको पकड़ो, ठीक है। नीचे से पकड़ेंगे तो क्या होगा कि जैसे वो छाती उसने दबाई, माँ ने छाती दबाई, तुरंत ही वो देखेगी, बच्चे का मुंह देखेगी, और अगर मुंह जैसे बड़ा हुआ वो तुरंत ही स्तन अपना बच्चे के मुंह में डाल देगी, ठीक है। तो वो आपको देखना है। तो दूसरा मैं आपको यहाँ पे स्तन के मॉडल पे दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये है, सपोज़ बच्चा ऐसे आ रहा है, ठीक है, अभी बच्चे के होंठ ऐसे खड़े हुए हैं, तो माँ को क्या करना है, सपोज़ आप सोचिए कि ये पूरा घड़ी है, ठीक है। तो ये घड़ी में ये जो जो आपके दो कांटे हैं, एक तो आपका एक घंटे का कांटा और एक होता है आपका मिनट के कांटा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है लाइक यू नो 12 बजे, यहाँ पे 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, तो आपको ये घड़ी, तो आप सोचिए कि ये पूरा जो काला भाग है एरोला का और जो पूरा जो ये स्तन है, ये घड़ी घड़ी का आप उदाहरण लीजिए, ठीक है। तो ये पोजीशन में सपोज़ मैं अगर लेफ्ट साइड से अगर मैं दूध पिला रही हूँ, तो आपको ये बाजू, लेफ्ट बाजू से ये वाला जो है अंगूठा, आपको 3 बजे की जगह पे रखना है, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो उंगली है वो आपको 9 बजे के वहाँ पे रखना है, ठीक है। और जैसे आपने रखा, ये आपका हो गया यू शेप, और ये जो यू शेप का जो नीचे का भाग है ये वाला, ये आपका 6 बजे आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि माँ ऐसे पकड़ती है, ठीक है, 9 बजे और 6 3 बजे रखा, लेकिन उसका जो 6 बजे का जो है वो यहाँ पे 5 बजे आ जाता है, ठीक है। तो आपको बोलना है माँ को कि ये जो हाथ है थोड़ा अंदर की तरफ लेगी, तो ये जो है पूरा जो यू शेप है ना, ये यू का जो डिप है वो आ जाएगा आपका 6 बजे, ठीक है। और कितना दूर रखना है ये आपको ध्यान में रखना है, 3 उंगली यहाँ से निपल से, 3 उंगली यहाँ से, ठीक है। और जो जो माँ जो माँ की जो उंगलियां है उसके सारे जो जो टिप होते हैं ना, जो टेरवे होते हैं, सिर्फ वहीं वहीं से दबाना है, पूरा उंगली उसके छाती पे रखना नहीं है, क्योंकि पूरा उंगली रखेंगे तो ये उंगली जब भी बच्चा मुंह में डालेगा तो ये उंगली बीच में आएगी, ठीक है। तो आपको ये उंगली नहीं डालनी है ब्रेस्ट पे, आपको सिर्फ उसका जो माँ के जो टिप है, टिप ऑफ द फिंगर्स बोलते हैं उसको, सिर्फ उंगलियाँ के जो ऊपर का जो भाग है, टोच बोलते हैं उसको, उस वही आपको वहाँ पे लगाना है, ठीक है। और आप 3 उंगली यहाँ से, 3 उंगली यहाँ से दूर, और फिर दबा के जैसे बच्चे ने मुंह खोला, आपको बच्चे को दूध मतलब पूरा जो नीचे का काला भाग है वो आपको उसके मुंह में डालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको कि माँ को कैसे ब्रेस्ट को पकड़ना है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं देखती हूँ, जो मेरे को फील्ड में बहुत देखने को मिलता है, कि माँ ऐसे पकड़ती तो है लेकिन दबाती नहीं है, मतलब किसी ने बताया ही नहीं है माँ को कि ये ब्रेस्ट को, स्तन को दबाना है। तो आपको क्या करना है कि वो स्तन को दबा के फिर माँ को बोलो कि जब तक वो दबाएगी नहीं तो वो स्तन छोटा होगा नहीं। और बच्चा क्या होता है कि जब भी छोटा होता है तो मुंह ज़्यादा खुलता नहीं है, राइट। तो उसको माँ को वो स्तन को दबा के फिर उसके मुँह में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर दबाएगी नहीं तो क्या होगा कि वो सिर्फ उसके मुँह में निप्पल ही जाएगा, अगर निप्पल गया तो उसके मुँह में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। निप्पल में दूध नहीं होता है, दूध यहाँ पे जो काला भाग होता है वहाँ के अंदर जो नलियाँ है वहाँ पे बैठा होता है, ओके, वहाँ पे स्टोर हुआ होता है। तो अगर वो वहाँ पे दबाएगी तभी वो दूध निकल के बाहर आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बच्चे को कैसे पकड़ना है वो तो आपने सीख लिया, अभी स्तन को कैसे पकड़ना है, ठीक है। अभी माँ जैसे बच्चा आ रहा है, उसकी जो नाक का ये भाग है वो निप्पल के सामने है, और बच्चा अभी दूध पीने के लिए तैयार है, ठीक है। माँ भी रेडी है, बच्चा भी रेडी है, अभी आ गया जुड़ाव का टाइम, ठीक है। मुंह की पकड़ बोलते हैं, मुंह की पकड़, जुड़ाव ना, अटैचमेंट, तो लैचिंग इज़ इंग्लिश वर्ड, ठीक है, अटैचमेंट इज़ इंग्लिश वर्ड। वो लैचिंग शब्द आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू नो ये शब्द है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं जुड़ाव, ठीक है। तो फिर जुड़ाव का टाइम आ गया, ठीक है। अभी माँ को क्या करना है कि बच्चा ऐसे बहुत टाइम मुँह नहीं खोलता है, ठीक है, तो वो मुंह खोलने के लिए माँ क्या करेगी, उसके जो निप्पल है वो यहाँ पे
बच्चे के निप्पल को यहाँ पे माँ का जो निप्पल है वो बच्चे के नाक पे यहाँ पे थोड़ा वो ऐसा लगाएगी। वो जैसे ही वो थोड़ा यहाँ पे लगाएगी नाक के ऊपर या ऊपर के होठ है वहाँ पे भी वो लगा सकती है, ठीक है। तो जैसे वो ऊपर के होठ को थोड़ा सा उसने निप्पल लगाया तो वो क्या करेगा, बच्चा मुँह खोलेगा। अभी आपको याद रखना है कि बच्चा कितना बड़ा मुँह खोलेगा, तो बच्चा लगभग 120 डिग्री जितना मुंह उसका खुलेगा तभी माँ को जुड़ाव करना है, ठीक है। क्योंकि अगर 120 डिग्री से कम खुला उसका मतलब है कि बच्चा बहुत ही मतलब वो उसका मुंह फिर बहुत छोटा होगा और वो दूध ठीक तरह से खींच नहीं सकेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि 120 से 160 डिग्री जितना अगर मुँह खुले तभी बच्चे को जुड़ाव करना है माँ के स्तन से, ठीक है। तो वो आपका हो गया कि कैसे बच्चे को जुड़ाव करना है, ठीक है। अभी बच्चे ने बहुत अच्छी तरह मुंह खोला और कभी कभी क्या होता है कि मतलब इतने कम सेकंड में वो मुंह खोलता है और फिर तुरंत बंद कर देता है। तो माँ को ध्यान में रखना है, उसका ध्यान हमेशा इधर ही होना चाहिए कि बच्चा एकदम नज़दीक होना चाहिए। ऐसे जैसे दबाया जैसे बच्चे ने मुंह खोला 120 डिग्री तुरंत ही माँ को बच्चे को अंदर ले लेना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, माँ किसी से बात करती है, माँ फ़ोन पर कभी होती है, कभी वो टी वी देखती है, उसका जब भी वो जुड़ाव करिए तो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उसका जो ध्यान है यहाँ पर होना चाहिए। जैसे बच्चे ने मुँह खोला तुरंत ही उसको डाल दो, ठीक है। अभी बच्चे ने सपोज अच्छी तरह 120 डिग्री जितना मुंह खोला, अभी वो बच्चे को तो उसने जुड़ाव कर लिया, ठीक है। अभी एक बार उसका जुड़ाव हो गया तो ये बोलते हैं उसको मुँह की पकड़, उसको लैचिंग बोलते हैं। तो वो लैचिंग के क्या क्या चार पांच पॉइंट है वो मैं अभी आपको सेशन में दिखाऊंगी। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि बच्चे का मुँह कितना बड़ा है, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया 120 से 160 डिग्री जितना बड़ा होना चाहिए। दूसरा उसके होठ कहाँ है, ठीक है। क्योंकि जो उसके होठ कहाँ है उस पर बहुत निर्भर होता है कि बच्चे को कितना दूध मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं फोकस करती हूँ कि उसके नीचे के होठ कहाँ होने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन वो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माँ को आपको सिखाना पड़ेगा कि उसका जो नीचे के जो होठ है वहाँ पे जो स्तन है वो माँ को दबा के देखना पड़ेगा कि वो नीचे के होठ कहाँ पे। तो माँ को क्या करना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे जो छाती थी ना, वो ये जो छाती से जो हाथ पकड़ा हुआ था वो हाथ माँ को निकाल के उसके नीचे के होठ के जो स्तन है वहाँ पे दबा के, बहुत अच्छी तरह दबा के उसका जो मुँह का जो पोजिशन है वो माँ को देखना है। उसको हम लोग बोलते हैं एग्जामिनेशन, मतलब उसको एग्जामिन करना है कि वो मुँह की जो पकड़ है वो ठीक तरह हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो नीचे के होठ है वो आपकी जो नीचे जो एरेला है ना काला भाग, वहाँ के बॉर्डर पे होना चाहिए ना। कभी कभी क्या होता है कि एरेला का जो काला भाग है बहुत छोटा होता है, तो वो आपको अगर बहुत छोटा है तो उसके नीचे के होठ आएंगे आप माँ के ब्रेस्ट के ऊपर, जो छाती है ना छाती की चमड़ी वहाँ आप तक उसके नीचे के होठ आएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखो कि जो उसके ऊपर के होठ है वो निप्पल के सिर्फ निप्पल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊपर होगा ना तो ऊपर का काला भाग ज़्यादा जाएगा और वो बाजू से वो बच्चा इतना दूर खींच नहीं सकेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर के होठ कहाँ हैं और उसके नीचे के होठ कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि आपको देखना है कि उसके जो नीचे के होठ है वैसे बाहर की तरफ होने चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि जब भी बच्चा दूध पी रहा है तो अगर आपने सही तरह से उसकी पकड़ उसकी है, अगर आप सही तरह से लाए उसको ब्रेस्ट पे, तो उसके जो होठ है हमेशा बाहर की तरफ ही होंगे। बहुत कम टाइम मैंने देखती है कि ये होठ उसके अंदर की तरफ चले गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसके जो नीचे के होठ है वो बाहर की तरफ मुड़े होने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जब भी बच्चे को आप दूध पिला रहे हो तो आपको देखना है कि उसकी जो होठ है और उसकी जो ये जो दाढ़ी है वो बिल्कुल यू नो माँ के स्तन में खुपनी चाहिए। हम लोग को एक्चुअली ऐसा सिखाया है कि सिर्फ ये जो हनवटी है वही उसके मतलब खुपनी चाहिए, नहीं पूरे जो होठ है बिल्कुल होठ दिखने नहीं चाहिए। अगर आपको बच्चे के होठ दिख रहे हैं मतलब बच्चा बहुत दूर है, तो माँ को बोलो कि बच्चे को और भी थोड़ा अंदर ले और बच्चे को दूध पिलाए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि मैं ये देख रही हूँ कि पूरा बच्चे के होठ और उसकी जो दाढ़ी है वो अंदर स्तन में खुपी हुई है कि नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आपको देखना है कि
जब इसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल लैच, मतलब इंग्लिश में एसिमेट्रिकल लैच, लैच मतलब जुड़ाव, एसिमेट्रिकल मतलब समान नहीं, असमान, ठीक है, असमान जुड़ाव। असमान जुड़ाव मतलब कि ऊपर का जो काला भाग है वो आपको दिखना चाहिए और नीचे का जो काला भाग है वो मच्छी के मुंह में होगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण WHO का पॉइंट है कि ऊपर के जो काला भाग है वो आपको दिखना चाहिए बाहर, क्योंकि वो मुंह में नहीं है, ठीक है। जो मुंह में है वो आपको दिखेगा नहीं, वो कौन सा भाग है, नीचे का काला भाग, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखें। तो ये एक बार हो गया आपका कि आपने बच्चे को मतलब एग्जामिन कर दिया, माँ ने एग्जामिन कर दिया, सही सारे सही पॉइंट्स हैं। तो वो क्या करती है अभी, ये वाला जो हाथ है वो अभी बच्चे के पीछे ऐसे ला सकती है, लेकिन ध्यान में रहे कि बच्चे के सिर के पीछे मैंने जो हाथ रखा है वो हिलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले 2 महीने में बच्चे के जो गर्दन है उसका कंट्रोल वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने गर्दन को सही तरह से पकड़ा नहीं है, सिर को सही तरह से पकड़ा नहीं, तो बच्चा ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उसकी गर्दन का कंट्रोल नहीं है। तो हमेशा हम, आपको मालूम कि जब भी छोटे बच्चे को पकड़ते हैं हम हमेशा उसके गर्दन को मतलब उसको सहारा देते हैं, ठीक है। तो ये सहारा है वो आपको छोड़ना नहीं है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सहारा है। और दूसरा क्या है कि बच्चे को जितना हो सके आप बच्चे को स्तन की तरफ अंदर खींचो, माँ को बोलो कि स्तन की तरफ अंदर खींचे। जितना वो बच्चा स्तन की तरफ अंदर खींचेगा उतना वो दूध बच्चा ले सकेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर आप दूसरा हाथ माँ को बोलो कि सिर्फ यहाँ पे लाके बच्चे को जो दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ है वो हाथ पे वो रख दे, ठीक है। और वन मोर बहुत वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कि ये जो हाथ है ये दोनों ये एकदम नज़दीक होने चाहिए, क्योंकि अगर नज़दीक नहीं हो, अगर माँ ने ऐसा पकड़ा है तो वो थक जाएगी, क्योंकि ये पोजीशन में बहुत थकान महसूस होती है, ठीक है। तो माँ को बोलो कि आपके दोनों हाथ अभी नीचे ला दे, एकदम रिलैक्स होके फिर दूध पिलाए। वो कौन सी भी पोजीशन में अभी दूध पिला सकती है, मतलब वो ऐसे आराम से बैठ के भी पिला सकती है। कभी कभी उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा पीठ में दर्द हो रहा है तो थोड़ी पीछे की ओर भी दूध जाके दूध पिला सकती है, लेकिन ये एक बार ये पोजीशन आ गया ना तो आपका नो दे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रेस्ट का पकड़ना। अभी दूसरा मुझे एक महत्व का बिंदु बताना था कि कभी कभी क्या होता है कि माँ के जो स्तन होते ना वो बहुत भारे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी माँ ऐसा छोड़ देती है तो स्तन का जो भार होता है वो बच्चे के मुंह, बच्चा का मुंह पकड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे वो हाथ निकाल दिया तो वो बच्चे के मुंह से वो स्तन निकल जाएगा। तो अगर ये अगर इश्यू आ रहा है आपके फील्ड में तो आपको क्या करना है, माँ को बोलो कि जैसे वो हाथ ऐसे ला रही है तो यहाँ पे जो कोनी का जो एंगल है वहाँ पे स्तन को सपोर्ट करे। तो माँ को यहाँ पे ऐसे स्तन को सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए फिर क्या होगा कि बच्चे के मुंह से स्तन निकलेगा नहीं, ठीक है। अगर ये आपने किया लेकिन फिर भी वो सपोर्ट नहीं हो रहा है और माँ के स्तन बहुत बड़े हैं, तो माँ को क्या करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे पकड़ के रखना पड़ेगा स्तन ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरे हाथ है वहाँ पे नीचे 3 तकिया रखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार वो 3 तकिया रख दिया तो माँ को भी सपोर्ट मिलेगा और माँ को थकान भी नहीं होगी। तो ये हो गया आपका कि छाती को कैसे पकड़ना है और बच्चे को कैसे उसका जुड़ाव करना है, तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा सा ये सेशन हमारा हो गया है। और एक बार मैंने वापस बता देती हूँ कि एक बार वो उसके स्तन में मुँह आ गया, एक बार मदर ने देख लिया कि कैसे उसको एग्जामिन करना है, कैसे उसको जांचना है, एक बार वो सब जांच उसकी हो गई फिर वो अपना हाथ यहाँ पे लेके आके वो बच्चे को दूध पिला सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो हाथ है ये वाला हाथ छूटना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।